चलिए आगे बढ़ते हैं बीजापुर से इस वक्त की अपडेट आपको बता देते हैं। बीजापुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी बीजापुर में, जहां पर एक कुख्यात नक्सली को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। नक्सली पर 8 लाख का इनाम था, जिसे बीजापुर के मधेड़ थाना इलाके के कोरंजीड़ बंदीपारा के जंगल में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। 8 लाख का इनामी नक्सली जो आज मुठभेड़ में मारा गया कोरंजेड़ बंदीपारा जंगल में, यह मुठभेड़ हुई थी। बीजापुर से अपडेट आपको बता रहे हैं, बीजापुर के मछेड़ थाना इलाके में आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में जंगल में मुठभेड़ हुई थी। 8 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है कोरंजेड़ बंदीपारा के जंगली इलाके में। नक्सली और सुरक्षा बल आपस में भिड़े, इस दौरान नक्सली मारा गया। काफी सारा नक्सली सामान बरामद हुआ है बीजापुर के मछेड़ थाना इलाके में। यह कार्रवाई थी सुरक्षा बलों की। हमें लगातार जानकारी मिल रही थी कि माओवादी चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षा बल को लगातार नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमें सूचना मिली कि कोरंजेड़ बंदेपारा के जंगल में कुछ माओवादी संगठन वहां पर आईडी वगैरह बना रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इस साजिश को रोकने के लिए, विफल करने के लिए रात्रि में DRG, SDF, बस्तर फाइटर्स और CRPF का संयुक्त बल रवाना हुआ था। उन लोगों ने माओवादियों को ललकारा, तो वहाँ से माओवादियों ने फायरिंग शुरू करी और काफ़ी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से। उसके बाद क्षेत्र का सर्च करने के उपरांत में वहाँ पर एक बॉडी और एक हथियार मिला, AKM और कुछ राउंड मिले। मारे गए माओवादी की जो शिनाख्त हुई है वो नागेश पदम के तौर पर हुई है।